तो भाजपा के नेताओं ने इस बयान पर बड़ा हवाला किया कि मुख्यमंत्री जी ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि राष्ट्र विरोधी, या क्या उन्होंने वो राष्ट्र के प्रति, उनकी हिंदुओं के प्रति जो उनकी एक धार्मिक राजनीति को वहाँ ज़्यादा उकसाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भाजपा के नेता को सही मायने में ऐसे बयान की बौखलाहट उनमें देखी गई कि मुख्यमंत्री का जो कहना है, मुख्यमंत्री जी ने बात कही वो किसी और संदर्भ में कही और भाजपा के नेता उसको किसी अन्य संदर्भ में ले रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री पिछले 70 दिनों से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी है और सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने स्तर पर या मंत्रिमंडल के स्तर पर बहुत अच्छे ऐसे निर्णय लिए हैं और जो जनहित में हैं, चाहे उसमें कुछ कार्यालय जो भाजपा के सरकार के समय यहाँ खोले गए थे एक उस चुनावी इस समर सीजन में, तो उनको बंद करने के लिए इसलिए बंद किए गए थे वो कि वहाँ कोई स्टाफ नहीं था, वहाँ बिल्डिंग थी, वहाँ कोई उनका ट्रस्ट का प्रावधान नहीं था। परंतु इसको मुद्दा भाजपा या विपक्ष इसलिए बना रही है क्योंकि उनके पास सरकार के खिलाफ बोलने का कोई शब्द नहीं है और वर्तमान में भाजपा इसलिए हो हल्ला कर रही है क्योंकि वो खुद ही अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ही जो आम जनता के हित में निर्णय लिए हैं, चाहे ओपीएस की बात है, चाहे अन्य मुद्दे हैं, चाहे अन्य जो हमारी 10 घंटी है उस पर भी काम चल रहा है और आने वाले बस सेशन पे उस पर मुख्यमंत्री जी हमारी टीम काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष को ये बता दिया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक पहलू होते हैं और विपक्ष के सहयोग से ही सत्ता चलती है, जो इससे पूर्व नहीं चली क्योंकि उसमें की सत्ता ने विपक्ष को कभी साथ नहीं लिया। परंतु मुख्यमंत्री जी के ऐसे अभी 2 महीने से ऐसे प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मंत्रणा की, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे चाहे विपक्ष के नेता को के साथ हमेशा बात की। तो हिमाचल प्रदेश में सरकार वो नए तरीके से चला रहे हैं, उसमें हमें विपक्ष के सहयोग की जरूरत है और विपक्ष का सहयोग मिलना हमें लाजमी है। परंतु विपक्ष बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।